हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मलाई पनीर। फटाफट से बना हुआ मलाई पनीर। यहाँ पर है पनीर और यहाँ पर ले लिया है हमारा पैन और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, इतना ज़्यादा मैं ऑयली नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पर है एक इलायची, इलायची मैंने डाल दिया। अब इसमें जाएगा हमारा बना हुआ पेस्ट, अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। यहाँ पर दे दिया है एक मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है उतना मिर्च डालिए आप। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। अब इसमें जाएगा मसाला, यहाँ पर है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसमें जाएगा एक चम्मच गरम मसाला। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें जाएगा हमारा पनीर। पनीर को हमने थोड़ा टाइम गर्म पानी में भिगो कर रखा था, इसको हमने फ्राई नहीं किया है, इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए इसके साथ। ये बहुत ही मतलब आसानी से बना हुआ मलाई पनीर है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। यहाँ पर मैंने दे दिया था थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी। अब इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए ये फ्राई हो चुका है लगभग। ये तो हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा और पानी, आपके स्वाद अनुसार पानी डाल सकते हैं, आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उतना ग्रेवी मतलब रखिए। मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा ग्रेवी पसंद है तो मैंने ग्रेवी रखा है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चीनी, ये ऑप्शनल है। देखिए ये तो बनके रेडी हो चुका है हमारा मलाई पनीर फटाफट से। आप भी जल्दी से बनाइए और मुझे कॉमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।